तीसरा नारद नीलकंठ। अच्छा, आप लोग जानते हैं एक समय सतयुग का कहानी है, ये सब देख रहे हैं आप लोग। अच्छा, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मादेव तीनों मिलकर उससे हंसी मजाक करते थे, इससे नारद से। नारद संकल्प किए हैं जो हम कभी जिंदगी में शादी ब्याह नहीं करूँगे, नारी का साथ हम नहीं रहेंगे, ऐसा ही है उनका। तो बोलता है तुम एक बार सांबर में जाओ, एक बहुत सुंदरी एक सांबर हो रहा है सांबर, उसमें तुम जाओ। तो बोला तो ठीक है प्रभु, आप जब कहते हैं तो हमको बहुत सुंदर से सुंदर बना दीजिए, हमको देख के जहाँ जहाँ का राजकुमार आएंगे उससे भी हम सुंदर इतना आएंगे, हमारा ऊपर माफ़ कीजिए। तो वो मोहिनी देखकर हमको ऊपर वो उत्मात हो जाएंगे। तो बोलने का बात तो क्या किया, तो भगवान माने ब्रह्मादेव भगवान विष्णु से बोला उसका ऐसा रूप दीजिए, वो देखते हैं पेड़ में एक बंदर बैठाया है, बैठा बंदर का अभी रूप कर दीजिए। तो उनको तो मालूम नहीं थे माने नारद जी का वही सुंदर है, वही सोचे हैं। तो वो क्या किया, वही बंदर का रूप बना दिया है और वही लेकर गया स्वयंवर में, मोहिनी का स्वयंवर में। तो गया तो देखा है, सभी हंसता है उसको देखकर। तो बोलता है इतना आदमी है, इतना सुंदर है, तुम्हारा मुख कैसा है। तो सभी ऐसा हंसी मजाक करके वो वहाँ से गुस्सा हो गया। तो इतने देखता है जो स्वयंवर में आए हैं भगवान विष्णु हुआ गए हैं, वो खुद देखे हैं। तो क्या किया, वो माला सुंदरी जो थे मोहिनी, वो माला डाल दिया किसको, भगवान विष्णु को गले में। तो ही गुस्सा होकर आकर साफ दिए हैं, या आप हमको हंसी मजाक रहे हैं, हमको ऐसा ऐसा बंदर का रूप बना दिए हैं, हैं आगे क्या क्या है नहीं है, हैं बोला है त्रेता युग में आपको राम होकर आने होंगे और वन वन में बंदर से सहायता लेने पड़ेंगे आपको, हैं और जंगल जंगल में भटेंगे, यही सब कहानी है। तो देखिए आगे, हाँ फिल्म का नाम है नारद नीला।